एक समय की बात है, वहाँ एक शानदार जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। उनमें चूहों का एक छोटा सा समुदाय था जो एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे एक आरामदायक घोंसले में रहता था। एक दिन शक्तिशाली हाथियों का एक बड़ा सा झुंड वहां से गुजर रहा था। उनके विशाल पदचालों से जमीन हिल रही थी। चूहे उनके बड़े से विशाल पैरों के नीचे कुचले जाने से भयभीत होकर डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन स्क्विक नाम का एक बहादुर छोटा चूहा आगे बढ़ा। उसने हाथियों के सौम्य स्वभाव के बारे में कहानियां सुनी थी और उसका मानना था कि यदि उनके पास शांतिपूर्वक जाया जाए तो वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। स्क्विक घोंसले से बाहर निकला और हाथियों के पास पहुंच गया। वह राजसी झुंड के नेता के सामने खड़ा हो गया। उसका छोटा सा दिल छाती में धड़क रहा था। क्षमा करे महाराज, स्क्विक चिल्लाया, मेरा नाम स्क्विक है और मैं चूहों का नेता हूँ। मुझे आपको परेशान करने में बहुत खेद हो रहा है, लेकिन हमें चिंता है कि आपका झुंड गलती से हमारे घरों को नुकसान ना पहुंचा दे। हाथी नेता गजराज नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी प्राणी ने अपनी दयालु आंखों से स्क्विक को देखा। चिंता मत करो छोटे चूहे, गजराज ने धीरे से गड़गड़ाहट में कहा, हम हाथी कभी भी जानबूझकर किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम बस आपके जंगल से होकर एक नए जलाशय की ओर जा रहे थे। स्क्विक को राहत मिली और वह आभारी था। उन्होंने गजराज को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। स्क्विक को पता चला कि गजराज और उनका झुंड एक शांतिपूर्वक और खानाबदोश समुदाय था जो हमेशा भोजन और पानी की तलाश में घूमता रहता था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गजराज ने घोषणा की, उसके झुंड के आगे बढ़ने का समय हो गया है। उन्होंने स्क्विक को उनके अतिथि के लिए धन्यवाद दिया और उनके साथ ही चूहों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। स्क्विक घोंसले में लौट आया जहां उसने अपने साथी चूहों को खुशखबरी सुनाई। उन्हें यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हाथी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दिन से चूहे और हाथी जंगल में सद्भाव से रहने लगे। चूहे अक्सर घास के मैदानों में हाथियों को चरते हुए देखने के लिए बाहर आते थे और हाथी कभी कभी नमस्ते कहने के लिए घोंसलों के पास रुक जाते थे। एक दिन शिकारियों का समूह जंगल में आया। वह हाथियों को उनके मूल्यवान हाथी दांत के लिए पकड़ने के इरादे से जंगल में आए थे। चूहे जिन्होंने शिकारियों की योजना सुन ली थी, गजराज और उसके झुंड को चेतावनी देने के लिए दौड़े। चूहों की चेतावनी का आभारी होकर गजराज ने शिकारियों से बचने के लिए एक योजना बनाई। वह अपने झुंड को जंगल के एक गुप्त स्थान पर ले गया जहां वह सुरक्षित थे। शिकारियों ने कई दिनों तक जंगल में खोजबीन की, लेकिन उन्हें हाथी नहीं मिले। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और वे चले गए। चूहे और हाथी शिकारियों से बचकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने एक दावत के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने की कसम खाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे छोटा प्राणी भी बदलाव ला सकता है। जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।